और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाली रामलला की नई मूर्ति के बारे में ट्रस्ट ने बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भगवान राम लला की नई मूर्ति का रूप तय कर दिया है। दो दिन तक चली बैठक के बाद ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर में लगने वाली रामलला की नई मूर्ति धनुर्धारी के रूप में बनेगी। श्याम वर्ण की ये मूर्ति कर्नाटक से अयोध्या लाई गई कृष्ण शिला से तराशकर बनाई जाएगी। मंदिर में खड़ी मुद्रा वाली इस प्रतिमा में भगवान राम धनुष बाण लिए हुए 5 साल के बच्चे के रूप में विराजमान होंगे। मंदिर के मूल गर्भगृह में लगने वाली ये मूर्ति 5 फीट ऊंची होगी, जिसे मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज बनाएंगे। ट्रस्ट के मुताबिक योगीराज तय करेंगे कि प्रतिमा बनाने के लिए कर्नाटक के करकर गांव और हेगे देवेन कोटे गांव से लाए गए कृष्ण शिलाओं में से वो किसका इस्तेमाल करेंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि देश के बड़े संतों, भू वैज्ञानिकों, मूर्तिकारों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के जानकारों, इंजीनियर्स और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मंथन करने के बाद मूर्ति निर्माण के लिए कृष्ण शिला का चयन किया गया है। अगले साल मकर संक्रांति पर्व पर मंदिर के मूल गर्भगृह में रामलला की नई प्रतिमा की स्थापना के लिए श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था। 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है।